अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं बंस रोड पे और यहाँ आने की हमारी रीजन है कि जी बंस रोड पे मैंने वैसे तो काफी सारे खाने आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन आज हम आए हैं दही फुल्की के लिए। दही फुल्की जो है ये है जी और किसी जगह की नहीं, ये है जी फ्रेस्को की, मशहूर जमाना फ्रेस्को बेकरी के ऊपर हम लोग आज आए हैं और यहाँ की आपको आज दिखाएंगे कि ये दही फुल्की, दही बड़े जो है ये इतने फेमस क्यों हैं, क्या इसकी रीजन है, ये कितने का मिलता है, इसकी टाइमिंग्स क्या है, रमजान के अलावा ये आप लोगों को आसानी से मिल जाता है नहीं मिलता, तो यही इसी के गिर्द जो है वीडियो आज घूमेगी। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं ये फ्रेस्को को कितना टाइम हो गया है और ये इतना रश होने की क्या वजह है यहाँ पे? फ्रेस्को को माशाल्लाह से 1952 से खुली है और रश होने की वजह ये है कि यहाँ हर चीज़ अच्छी और बेहतरीन मिलती है, खाली देसी की चीज़ें तैयार की जाती है, मिठाई वगैरह, तो इसकी वजह यही है। यही वजह है जी, तो आपकी बेसिकली वजह यही है। आपको भी हो गया। तो मिठाई नहीं, पहले नहीं थी लेकिन मंडसूर खाने पीने के हवाले से मशहूर था, तो इसको फिर हुकूमत ने फूड स्पीड का दर्जा दे दिया, फिर उसे ऐसे ही है खाने पीने के हवाले से तो मशहूर है। दही फुल्की की क्या खास बात है लगाने की? हमारी दही फुल्की में खास बात यह है कि हम खालिस चीज लगाते हैं, उसमें खालिस दही होता है और फुल्की जो बेहतरीन चीज़ों की बनाते हैं उसकी वजह यही है कि आप अच्छी चीज़ बनाओगे और अच्छी चीज़ दोगे तो लोगों को पसंद आएगी। लोग पैसे को ज़्यादा देखते हैं या जायके को? जो खाने वाला तो पैसे नहीं देखता। सही है, वो जायका, अच्छी चीज़ चाहिए और अच्छा जायका चाहिए, पैसे पर बात नहीं करेगा। तो अभी तो आप तो जब से मिठाई की दुकान पे, आपका दिल मिठाइयों से भर गया होगा तकरीबन, आप देखते नहीं होंगे मिठाई की तरफ, है ना? तो मिठाइयां करता होगा, बोले नहीं बिल्कुल, आप उसको बोलते हो कि वो हमारे रोज का रूटीन है मिठाई। अभी क्या किलो हिसाब क्या है इसका? आज के हिसाब से तो ये 1100 रुपए किलो है, हलवा जात 1400 रुपए किलो बिक रहे हैं, देसी घी में तैयार होते हैं सब मिठाई वगैरह। दही फुल्की 500 रुपए किलो है। 500 रुपए किलो है, उसमें कितने? तकरीबन 4 अफराद खा लेते हैं उसको। और प्लेट? प्लेट वही एक पाव की प्लेट हो गई तो वो 125 रुपए के हिसाब से, एक बंदा जो खा लेगा आराम से। नहीं, अगर आप मेरे ऐसा है तो ज्यादा खा लेगा, मैं कह नहीं सकता हूँ आपके जैसे, आप भी दो ही खा लेंगे, आपको अंदर अच्छा होगा तो मैं दो खा लूंगा। चले चले ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात ऐसी फ्रेस्को के अंदर है जो आपको यहाँ पे खींच के ले आती है? फ्रेस्को की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है और साफ सफाई अच्छी होती है, इस वजह से हम यहाँ आते हैं। फ्रेस्को कहीं दूर से आते हैं जी? बहादुराबाद से। बहादुराबाद से यहाँ आते हैं जी? क्या बहादुराबाद पे तो खुद इतनी अच्छी अच्छी बेकरीज हैं? अच्छी हैं, लेकिन बस शुरू से बचपन से यहाँ आते थे तो यहाँ से ही जो है इस वजह से खाते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ का टेस्ट डेवलप हो चुका है और यहाँ का टेस्ट पसंद भी है और साफ सफाई होती है, इस वजह से बिलीव है कि ये साफ और अच्छी इंग्रेडिएंट्स ही यूज करते हैं। भाई 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 सही काम कर रहे हैं फ्रेस्को वाले, भाई सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम, कमी पेशी तो नहीं है? नहीं नहीं है, तो बता दें कि दही बड़े भी अच्छे हैं। लेकिन आप रमजान में देखें यहाँ पे इतना रश होता है, ऐसा लगता है लोगों की लड़ाई हो गई है बार। बिल्कुल ऐसा ही है ना? उसमें भी आते हैं आप? उसमें भी आते हैं। मिल जाता है? मिल जाता है, लेकिन लाइन में लगना पड़ता है। और ये भाई आपके साथ आए हैं? जी जी बिल्कुल। आप बताएं आपको क्या चीज़ जो है खास लगती है यहाँ की? सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ की लगती है वो है दही बड़े। दही बड़े? दही बड़े फरमाइश करते हैं स्पेशली जब अच्छा, दही बड़े वहाँ के लेके आना वरना मत आना, वरना मत ऐसी बात नहीं। जी जी लेके जाता हूँ, हैदराबाद में फैमिली आपको बहुत पसंद है, लेके जाते हैं बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि कराची में इससे अच्छे दही बड़े जो है और कहीं नहीं मिलते? स्पेशल जहाँ आप कहीं आए सबसे अच्छे जो है ना फ्रेस्को। दोस्तों नहीं आपके फ्रेस्को वाले के? कोई आप खास तौर पर ये बोल रहे हैं? नहीं, मैंने भी खाया है पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इनकी अब वीडियो भी बना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका टाइम दिया, थैंक यू। ये देखें जी, ये अब डल रही है दही फुल्की। ये फुल्की
देखे ना, वो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वाह 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 वाह। अभी हम अपने लिए दही फुल्की जो है बनवाने लगे हैं। 500 रुपये किलो है, सही है, 150 रुपये की सिंगल प्लेट है। ये भाई अब हमारे लिए जो है दही फुल्की जो है बनाने लगे हैं। बनाएं जी दही फुल्की। हाँ हाँ हाँ, बस ज़्यादा मत डालिएगा, बस बस बस। अब डाल दें मसाले वसाले, सारे 12 मसाले डाल दें इसके ऊपर आज। 12 मसाला डालेंगे। ये क्या है? पापड़ी है, ठीक हो गया जी। ये क्या है? सारा तो हाथ ही आ गया आपका आगे। अच्छा सही है, ये आ गया मसाला। कौन सा मसाला है? ये चाट मसाला। चाट मसाला है, ठीक हो गया जी। अब अपना है। अच्छा जी, ये किसका अपना है? फ्रेस्को का अपना है। ये क्या करें आपने, थोड़ा सा और ऊपर से। अच्छा, और ये आ गई जी दही फुल्की आ गई। कुछ तो बोले क्या? ये रेडी है? बोल नहीं रहे, आपने क्यों भी नहीं बोला। चले दोबारा क्यों। अच्छा जी, हमारी आ गई है जी दही फुल्की, और हम इस टाइम में फ्रेस्को के अंदर खड़े हुए हैं। और दही फुल्की, दही बड़े जो है, पहले हम इसकी चाट मिक्स करेंगे। देखें आप, ये जो है ना इसका मसाला, सॉरी इसका हम जो मसाला मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्स किए बगैर जो है ना इसका मज़ा नहीं आने वाला। फिर हम एक फुल्की को तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद इसको भी हम मिक्स करेंगे इसके साथ, और अब हम इसका टेस्ट करेंगे। अब मैं वो एक्सप्रेशन तो नहीं दे सकता कि बचपन की यादों में खो गया, लेकिन वाकई मज़ेदार है यार। मैंने लास्ट टाइम खाया था, बहुत मज़ेदार है सीरियसली। मैंने पहले ही बंस रोड पे खाए थे, लेकिन जो ये है ना भाई, वसूल है पैसे। जो इन्होंने मुझे कहा कि लोग फ्रेस्को आते ही इस वजह से हैं कि उनको उनको एक मयार मिलता है, उनको एक जायका मिलता है, उनको एक ट्रस्ट है कि यहाँ पर वो आएंगे तो जो पैसे दे रहे हैं वो चीज़ उनकी वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई ज़बरदस्त काम है। मैं वैसे इतने दही बड़े इतने शौक से खाता नहीं हूँ, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त है कि मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगा। हमारी बाकी टीम जो है वो भी खा रही है, वो भी खाएंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कहीं से अच्छा सा लिमका पियेंगे, और फिर हम घर जाएंगे। लेकिन ये कमाल है, सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आके। और ट्रा जिसे नहीं किया, वैसे तो ऑब्वियसली इतनी पुरानी दुकान है, 1952 की, सबने ट्राई किया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।